बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम देसी टीवी यूएसए तू पंजाबी दी खबरां दे नाल मैं नादिया राजपूत। कीनिया पुलिस दा यूटर्न, सीनियर सहाफी अरशद शरीफ दी पुलिस फायरिंग विच हलाकत ते कीनिया दी पुलिस ने अपने पहले बयान तो यूटर्न लैंदे होया कहा है कि गड्डी तो अहलकारां ते फायरिंग की गई सी जिस विच एक अहलकार जख्मी भी होया। कीनिया दे मीडिया ते अरशद शरीफ केस ते पुलिस दी एक नवी रिपोर्ट जेरे गर्दिश है जिस विच इल्जाम आयद किया गया कि रोके जाण ते मकतूल दी कार रुकी नहीं बल्कि कार तो GSU ऑफिसर ते फायरिंग की गई। तहरीके इंसाफ दे लॉन्ग मार्च दे दौरान किसी हंगामी सूरत हाल तो निमटन लई हकूमत ने तैयारियां शुरू कर दित्तियां ने। लॉन्ग मार्च दे दौरान बदअमनी दी सूरत हाल तो निमटन लई पाकिस्तान विच पहली बार पेपर बाल गन दा इस्तेमाल किया जाएगा। पेपर बाल गन मुश्तबा अफराद दे जिस्मां ते स्याही या रंग छोड़ेगी जिस तो उन्हां दी शनाख्त की जाएगी ते गिरफ्तारी विच मदद मिलेगी। लॉन्ग मार्च लई पुलिस FC ते रेंजर्स दे 13,000 तो जायद पुलिस अहलकार ते अफसर तैनात करन दा फैसला किया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फैसल वावडा नूं PTI लॉन्ग मार्च तो मुतलक मुतनाज़े बयान ते शोकाज नोटिस जारी करते होया उन्हां दी पार्टी रुकनीयत मुअत्तल कर दित्ती है। फैसल वावडा नूं PTI सिंध दे सदर अली जैदी ने शोकाज नोटिस जारी कर दिता है। अली जैदी ने कहा कि फैसल वावडा दो दिन च वजाहत देण कि क्यों ना उन्हां दी बुनियादी रुकनीयत मनसूख की जाए। PTI रहनुमा ने कहा कि फैसल वावडा दी रुकनीयत मुअत्तल कर दिती गई है। शुमाली वजीरिस्तान ने चिंसदादे पोलियो मुहिम में रुकावट पाण ते अवाम नूं पोलियो मुहिम दे बाइकाट ते उकसाण दे इल्जाम में 4 अफराद नूं गिरफ्तार करके जेल भेज दिता गया है। DC शुमाली वजीरिस्तान शाहिद अली खान दे मुताबिक शुमाली वजीरिस्तान दी तहसील मीर अली दे ग्रां खैसूर दे रिहायशी 4 अफराद नूं कारे सरकार विच मुदाखलत इंसदादे पोलियो मुहिम विच रुकावट पाण ते अवाम नूं पोलियो मुहिम दे बाइकाट ते उकसाण दे जुर्म विच गिरफ्तार किया गया है। डिप्टी कमिश्नर दे मुताबिक वारो वारी जिरगियां ते मुज़ाकरात दे बावजूद मुलजमान ने रवां माह जारी इंसदादे पोलियो मुहिम विच वी रुकावट बनण दी कोशिश कीती जिसते जिले इंतजामिया नूं एक्शन लेना पिया है। ईरान दे शहर शिराज विच शाह चिराग मजार ते दहशतगर्द हमले च 15 जायरीन जांबाग ते 40 जख्मी हो गए ने। 3 मुसल्ला अफराद ने मजार दे अहाते जायरीन ते फायरिंग कीती जिसने नतीजे 15 अफराद जांबाग ते वाके 40 अफराद भी जख्मी होए ने। ईरानी मीडिया दा कहना है कि फायरिंग दे बाद दो हमलावरां नूं गिरफ्तार कर लिता गया है ते एक हमलावर फरार हो गया है। उन तक इतना ही। मजीद खबरां ते अपडेट्स लई साडे नाल रहो या फिर विजिट करो साडी वैबसाइट desitvusa.com।